नमस्कार, मैं निशांत वत्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पब्लिक एशिया न्यूज। और अब वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। पहली खबर क्यों चलते हुए आपको बता दें, 2024 की संसदीय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं मुरादाबाद मंडल की राजनीति मुस्लिम वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती है। यही वजह है कि मुस्लिम वोट बैंक सभी के लिए खास हो गया है। सपा, बसपा और कांग्रेस इस पर अपना दावा तो करती है। वहीं भाजपा ने पसमांदा स्नेह संवाद यात्रा निकालने के ऐलान कर इन दलों की चिंता बढ़ा दी है। दूसरी खबर के चलते हुए आपको बता दें, कानपुर के अमरपुर बाजार में आज सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग 7 दुकानों में फैल गई। अमरपुर परिसर स्थित फायर स्टेशन पर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दुकानों को दोनों तरफ से तोड़कर पानी डालना शुरू किया गया। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकानदारों का कहना है कि आग लगने की घटना संदिग्ध है। तीसरी खबर के चलते हुए आपको बता दें, माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर विधानसभा चुनाव के दौरान 100 चार पहिया और 2 पहिया वाहनों के साथ जुलूस निकालने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। बता दें कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में मऊ कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई थी। अगली खबर की ओर चलते हुए आपको बता दें, इटावा में पति पत्नी के बीच का हुआ झगड़ा मौत के मातक में बदल गया। पत्नी का आरोप था कि पति अक्सर शराब पीने के बाद मारपीट करता था, जिससे तंग आकर पत्नी ने जहर खा लिया। कुछ देर बाद ही वही पति ने भी जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पत्नी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और आखिरी खबर की ओर चलते हुए आपको बता दें, गाजियाबाद के विजयनगर थाने में तना दरोगा से साइबर ठगों ने व्हाट्सएप पर एक इंस्पेक्टर की DP लगाकर 5,000 रुपए ठग लिए। विजयनगर थाने में तैनात दरोगा शैलेंद्र कुमार गौड का कहना है कि उसके पास एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आया। शैलेंद्र ने अपने पास 4-5 हजार रुपए होने की बात कहकर 5,000 रुपए भेज दिए। ऐसी उत्तर प्रदेश की और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हमारे साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।